गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। मॉडर्न हिस्ट्री के 20 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, द साइलेंट वैली मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन 1973 इन द स्टेट ऑफ। ऑप्शन है उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश या फिर हिमाचल प्रदेश। करेक्ट ऑप्शन केरला में है साइलेंट वैली। ये जब मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 1973 में, तो एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कैरी ऑन हो रहा था, जिसकी वजह से जंगलों को काटा जा रहा था, तो फ्लड होने की संभावना साइलेंट वैली में बढ़ गई थी। तो लोगों ने वहां पर प्रोटेस्ट किया था, केरला का ही एक एनजीओ था जिसने प्रोटेस्ट किया था, और फाइनली वो लोग सफल हुए थे। वैली जो साइलेंट वैली है, ये डिक्लेयर किया गया है नेशनल पार्क के तौर पे। साइलेंट वैली नेशनल पार्क कब डिक्लेयर किया गया? तो 1985। तो इससे रिलेट करके दो चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो ये मूवमेंट था 1973 में, कहाँ है? केरला में है। नेशनल पार्क कब बना? 1985 में। अगला क्वेश्चन है, व्हेन डिड द इंडियन आर्मी लिबरेट गोवा फ्रॉम द पुर्तगालीज एंड डिक्लेयर इट एज ए यूनियन टेरिटरी। भारत ने कब गोवा को लिबरेट किया? भारत ने सिर्फ गोवा को नहीं है, दीव, दमन और गोवा तीनों को लिबरेट किया था। 17 से 19 दिसंबर के बीच ऑपरेशन विजय नाम से इसको चलाया गया था, और बहुत इजिली, बहुत ज्यादा मतलब फोर्स भी नहीं किया गया था वहां से, रेजिस्टेंस भी बहुत ज्यादा नहीं हुआ था। इजिली इंडियन आर्मी ने एक आम एक्शन किया, उसका नाम रखा ऑपरेशन विजय, और उसको 1961 दिसंबर में यूनियन टेरिटरी के रूप में वहां से पुर्तगाली से कब्जा कर लिया। तो इसका जो दूसरा क्वेश्चन बनेगा, दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि गोवा दमन द्वीप को लिबरेट करने का जो ऑपरेशन था, आर्म्ड ऑपरेशन, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है ऑपरेशन विजय, उसका नाम है ऑपरेशन विजय। अगला क्वेश्चन है, हु प्रोपाउंडेड द पंचशील प्रिंसिपल्स। अब ये पंचशील प्रिंसिपल उस सेंस में आप गलत कर सकते हैं, लॉर्ड बुद्धा, सरस्वती, महात्मा गांधी लिखे हैं, कि ये कुछ जो है धार्मिक बात है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। ये पंचशील एग्रीमेंट से रिलेट करके पंचशील प्रिंसिपल थे, जो भारत और चाइना के तिब्बत रीजन, जो इंडिया चाइना के बीच तिब्बत रीजन है, उसको लेके ये एग्रीमेंट हुआ था। ट्रेड एंड कॉमर्स इसमें प्रमुख मुद्दा था, और एग्रीमेंट साइन हुआ था 29 अप्रैल 1954 को। इसमें, इस एग्रीमेंट में पांच प्रिंसिपल पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के लिए थे। एक तो म्यूचुअल रिस्पेक्ट था उस टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के लिए, म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस था, इक्वलिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट था, म्यूचुअल नॉन एग्रेशन था, और पीसफुल एक कोएग्जिस्टेंस था। कुल मिला के सब सारी बातों का यही अर्थ था, शांत रहो, अपने आप से मतलब रखो। ये पांच जो थे वो पंचशील प्रिंसिपल बोले जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज प्रीवियसली नोन एज द लेडी विलिंगडन पार्क। कौन सा पार्क जो आपको ऑप्शन में दिए हैं? बुद्ध जयंती पार्क, लोधी गार्डन्स, डियर पार्क, मुगल गार्डन। तो लोधी गार्डन जो था, इसको पहले बोला जाता था लेडी विलिंगडन पार्क। ये मॉन्यूमेंट जो लोधी गार्डन था, ये किसने बनाया था? इसको बनवाया था सिकंदर लोधी ने। मतलब एक तरीके से जब पहले इसको लेडी विलिंगडन पार्क बोला जाता, तो इसमें मॉन्यूमेंट इन्होंने क्रिएट किया होगा। ये सन ऑफ बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी ने किया था, जो 28 वर्ष तक रूल किए थे। तो ये भी पूछा जा सकता है, लोधी गार्डन्स वाज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ, तो सिकंदर लोधी। ये भी पूछा जा सकता है कि लेडी विलिंगडन पार्क किस नाम से प्रीवियसली नोन एज, तो लोधी गार्डन्स। तो लोधी गार्डन्स जो था वो प्रीवियसली नोन एज द लेडी विलिंगडन पार्क। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, गांधी जी डिलीवर द फेमस डू आर डाई स्पीच ऑन। गांधी जी ने करो या मरो का नारा जो दिया था, वो गांधी जी ने दिया था। डू आर डाई स्पीच किसने नारा दिया था? गांधी जी ने। बहुत सिंपल, सबको पता, लेकिन कब दिया था? 1942 में दिया था। तो चारों ऑप्शन आ गए, और बस यहीं से एसएससी जेई के क्वेश्चंस को पकड़ने की शुरुआत होती है। वो या इस तरीके के जब क्वेश्चन पूछा, तो आप समझ लीजिए कि 100 में 90 लोग बाहर हो गए। इसमें से या तो निगेटिव लेके जाएंगे वो 90 लोग, या तो वो छोड़ देंगे। 10 लोग बचे जो थोड़ा कोशिश कर सकते हैं कि कब इसकी सिचुएशन आई। क्रिप्स मिशन जब भारत आया, उसके बाद जब क्रिप्स मिशन को सफलता नहीं मिली, तो वो निराश हो गया। तो गांधी जी ने फिर डू आर डाई किया, कि क्विट इंडिया स्पीच डिलीवर की, कि भाई तुम लोग भारत छोड़ो, तुम लोगों की जो नियति है वो ठीक नहीं है। इस्तेमाल करना चाहते थे भारत को, क्रिप्स मिशन जो मेन था वो सपोर्ट करने का था ब्रिटिश वार में। तो वो जो डिलीवर की गई थी, वो 8 अगस्त 1942 को डिलीवर की गई थी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी पार्ट, 8 अगस्त 1942 को, और ये स्पीच डिलीवर की थी बॉम्बे में, गोवालिया टैंक मैदान में। करेक्ट ऑप्शन होगा डी पार्ट। विच कमेटी डिमांडेड द बिल ऑफ राइट्स इन 1928। चार कमेटी आपके सामने दी हैं, एक मोतीलाल नेहरू की कमेटी, एक राजीव गांधी की, एक जवाहरलाल नेहरू की, एक इंदिरा गांधी की। बिल ऑफ राइट्स क्या था 1928 में? बिल ऑफ राइट्स आपका जो था
वो उस समय जो ब्रिटिशर्स थे वो किसी भी छोटी मोटी बात पे किसी भी नेता को अंदर करवा देते थे, टॉर्चर करना पड़ता था उनके, सामान्य व्यक्ति की तो छोड़ ही दो, नेता को जब अंदर हो जाता था। तो फिर इस पे मोतीलाल नेहरू कमेटी ने डिमांड किया बिल ऑफ राइट्स 1928 में कि इस तरीके का व्यवहार बिल्कुल सही नहीं है, कुछ फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए जिसके तहत आप गिरफ्तारी करेंगे नहीं करेंगे। तो उसको बोलते हैं बिल ऑफ राइट्स इन 1928, किसको बोलते हैं, मोतीलाल नेहरू कमेटी को। तो करेक्ट ऑप्शन ए पार्ट होगा। अगला क्वेश्चन है सी राजगोपालाचारी लेड द साल्ट सत्याग्रह इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। साल्ट सत्याग्रह की बात आएगी तो आपके मन में एक दांडी मार्च की बात आएगी, क्योंकि साल्ट से रिलेटेड यही एक फेमस आंदोलन था जो गांधी जी ने किया था। इससे इंस्पायर होकर सी राजगोपालाचारी ने साल्ट सत्याग्रह किया था, और ये तमिलनाडु में किया था इन्होंने, 100 लोग इनके साथ चले थे। मार्च किया था वेदरायन ने, वेदरायनम, और साल्ट को एक्सट्रैक्ट किया था सी वाटर से। अप्रैल 1932 ब्रेक द साल्ट लॉ इम्पोज बाई द ब्रिटिश, मतलब एक हिस्सा गांधी जी संभाल रहे थे साबरमती आश्रम, और एक हिस्सा संभाल रहे थे सी राजगोपालाचारी, अप्रैल 1930। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण वाज फॉन्डली नोन एज, जयप्रकाश नारायण को किस नाम से और जाना जाता था। लोकनायक, दीन बंधु, देश बंधु, लोकनायक दो बार आ गया है, यहाँ पे नन ऑफ दीज कर देते हैं। लोकनायक के नाम से जाना जाता था जयप्रकाश नारायण को, और ये एक इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट, थ्योरिस्ट, सोशलिस्ट और पॉलिटिकल फिगर थे, और इनका बहुत नाम था। मतलब इनको अगर चीजें ऑफर की जाती थी कि आप राज्यपाल बन जाइए, आप मुख्यमंत्री बन जाइए, तो वो इनका सीन नहीं था कि इन्हें कोई पद चाहिए, लेकिन फैन फॉलोइंग और इवन इनके शिष्य जो थे वो पॉलिटिकल लीडर्स होते थे। जेपी नारायणन बहुत बड़ा नाम है अगर आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाके देखें, खासकर स्ट्रेटेजिस्ट के रूप में। अगला क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ विच कांग्रेस सेशन इन 1938। तो दो कांग्रेस सेशन के ये रहे थे, एक तो हरिपुरा सेशन और एक त्रिपुरी सेशन। हरिपुरा सेशन 1938 में था, और त्रिपुरी सेशन में ये इलेक्ट किए गए थे, लेकिन उन्होंने रिजाइन कर दिया था क्योंकि गांधी जी एकदम से, मतलब गांधी जी का जो सीन था, इन्होंने चुने हुए लोगों का विरोध किया, चुने हुए लोगों की मर्डर पे ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दिए कि मैं ये मानता हूं अगर यूनिवर्सल लॉज को ध्यान में रखा जाए तो फिर कुछ चीजें उनके साथ भी गलत हुई। ये जस्टिफिकेशन नहीं है, लेकिन अगर आप हिस्ट्री को गौर से देखेंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि सम स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी इवन गिवन बाई 95% ऑफ द पीपल। इवन 5% ऑफ द पीपल आर नॉट श्योर वाई वी शुड गो अगेंस्ट इट, बट ही गेव द स्टेटमेंट प्रॉपरली इन द न्यूज पेपर, इन द मीडिया, इवन स्टैंड इन द कोर्ट अगेंस्ट सच इंसिडेंट्स। उनमें एक इंसिडेंट ये थी, एक इंसिडेंट सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ, जब पहले प्रधानमंत्री बनने की जो एक एंटरिम गवर्नमेंट होती है, जैसे कुछ वीडियोज में दिखाया जाता है कि जब सरकार बनी तो वल्लभ भाई पटेल नहीं थे, सरकार दो तलों पर बनी थी, पहले एक अंतरिम सरकार में सरकार बनी थी, अंतरिम गवर्नमेंट बनी थी, तब भी लोग चुने गए थे, और उसके बाद भी सरकार बनी, तब नहीं थे पटेल जी। पटेल साहब के साथ जवाहरलाल नेहरू को ऊपर रखना, वो एक तरीके से भारत की जो अखंडता या प्रतिबद्धता थी उसको डाइल्यूट करना था। जहां पे सामने वाला व्यक्ति दुश्मनी को होल्ड करता हो उससे दोस्ती करना अपनी पहचान को कमजोर करना है कि हमारे पास क्षमता ही नहीं है, आप हमारे कोई सिद्धांत ही नहीं है, और सैद्धांतिक भी बताना। तो इसमें है एक सहस्वामी श्रद्धानंद या सहजानंद करके थे, उनकी हत्या की गई थी, तो उसमें गांधी ने स्टेटमेंट दिया था कि जो हत्या करने वाला है वो बाई चांस मुस्लिम है, और इसका ये मतलब नहीं है कि ये जो है हत्या गलत हुई है, ऐसे स्टेटमेंट वो अपने पत्र में निकाला करते थे। तो ये सब चीजें होती हैं जो किसी भी अहेड इंसिडेंट को अकर कराती हैं। इट्स नॉट कि मैं उस चीज का मतलब वो कर रहा हूं, लेकिन जब आप हिस्ट्री में पॉइंट टू पॉइंट जाएंगे, गांधी की अपनी उनकी कई बुक्स हैं वो पढ़ेंगे, गांधी पर कई बुक्स हैं वो पढ़ेंगे, गांधी के वो डिसीजंस जिसने इंडिया की अच्छाई की और बुराई की, जैसे अगर आप देखें केजरीवाल की जो वर्तमान में अभी गिरफ्तारी है, उसका एक हिस्सा पॉलिटिकल है, एक हिस्सा फैक्चुअल है। अब फैक्चुअल और पॉलिटिकल का संयोग बनाया जाता है, ये चाहे वो सत्ता में कोई भी रहे, कभी भी रहे, अगर वो निपुण है, राजनीति का आगे वाला हिस्सा राज है, सत्य नहीं है, और राज और सत्य में बहुत डिफरेंस होता है।
लेकिन अगर सत्य मिल जाए तो राज और ताकतवर तरीके से राज करता है। तो जो केजरीवाल की रिपोर्ट है, अगर उसको आप देखें, एक दो वीडियो ऐसे अवेलेबल हैं जिनमें ये बताया जाएगा कि एक बहुत ही मतलब बहुत लंबी ट्रेल के साथ, तो ना वो सही है ना ये सही है, और फिर जो गवर्नमेंट में ऊपर है वो दबाएगा ही। सिस्टम यही है कि जो जिसको दबा पाए। राजनीति का अर्थ ही क्या होता है? राज करना। और राज कौन करेगा? जो किसी को दबा पाएगा। अब कोई पोलाइटली दबाएगा, कोई स्कीम ला के दबाएगा, कोई अच्छा बोल के दबाएगा, कोई सीधे क्रुएलिटी के साथ दबाएगा। तो पॉलिटिक्स का यही सीन होता है। खैर, यहाँ पे जो क्वेश्चन था, सुभाष चंद्र बोस वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ, तो ये हरिपुरा सेशन 1938 और त्रिपुरी सेशन में जब वो इलेक्ट हो गए थे, तो गांधी जी से डिफरेंसेज के तहत उनका सम्मान करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने रिजाइन कर दिया था। हु अमंग्स द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद चंपारण सत्याग्रह? अनुराग नारायण सिन्हा, जे बी कृपलानी, ब्रज किशोर प्रसाद या फिर सरदार पटेल? तो अगर ये बात की जाए कि जो चंपारण सत्याग्रह था उससे प्रमुख नेता कौन थे, तो चंपारण सत्याग्रह पहली बात तो महात्मा गांधी के द्वारा ही लीड किया गया था, बिहार में है चंपारण। इसका विरोध किसने किया था? एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया है किसी स्टेट के पीसीएस में, तो इसका विरोध किया था जो शख्स आपके सामने हैं, ये शख्स एनजी रंगा हैं, ये फेमस लीडर भी थे कांग्रेस के, और इन्होंने सत्याग्रह का विरोध किया था। इनका नाम था एनजी रंगा। इन पे इस पे क्वेश्चन बन चुका है। और इसके अलावा जो लोग एसोसिएटेड थे चंपारण सत्याग्रह से, वो राजेंद्र प्रसाद, मजरोल अख, नरहरि परेख, जेबी कृपलानी, महादेव देशानी, ब्रज किशोर प्रसाद, अनुराग नारायण सिन्हा और रामनवमी प्रसाद, शंभू शरण वर्मा, इतने लोग हैं। तो यहाँ पे जो दिए हैं, जेबी कृपलानी ये आपके हो गए, ब्रज किशोर प्रसाद ये हो गए, अनुराग नारायण सिन्हा ये हो गए, इसके अलावा मजहर उल हक, राजेंद्र प्रसाद ये थे, लेकिन सरदार पटेल जी इसमें कहीं पिक्चर में नहीं है जो चंपारण सत्याग्रह से संबद्ध रखते हो। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन डी पार्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, हु फाउंडेड द हिंदू रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन ब्रह्म समाज? किसने फाउंड किया था? तो ब्रह्म समाज को राजा राम मोहन राय ने फॉर्म किया था। कब फॉर्म किया था? 1828 में। कहाँ फॉर्म किया था? कलकत्ता में फॉर्म किया था राजा राम मोहन राय ने। करेक्ट ऑप्शन होगा डी पार्ट। अगला क्वेश्चन है, हु वाज एसोसिएटेड विद द फाउंडेशन ऑफ द फर्गुसन कॉलेज? फर्गुसन कॉलेज की स्थापना किसने की थी? यह भी क्वेश्चन बन सकता है। फर्गुसन कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? यह भी क्वेश्चन बन सकता है। तो कब की गई थी? 1885। किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी, कई लोग इसमें शामिल थे, जिसमें थे वमन श्रीराम आप्टे, बाल गंगाधर तिलक, विष्णु शास्त्री चपलंकर, महादेव बलाल नमजोशी, गोपाल गणेश अगरकर। लेकिन अगर मेनली पूछा जाए तो आप इसमें बाल गंगाधर तिलक ही ऑप्शन लगाएंगे। तो करेक्ट ऑप्शन डी पार्ट है 1885, जो पुणे में ये कॉलेज है, जो बाल गंगाधर तिलक की लीडिंग पीपल में शामिल थे, उन्होंने इसकी स्थापना की। अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह वाज एग्जीक्यूटेड ऑन मार्च 23, 1931 अलॉन्ग विद? भगत सिंह एग्जीक्यूटेड, हैंग्ड होना चाहिए, फांसी दी गई थी, सेंटेंस टू डेथ किया गया था उनको लाहौर कंस्पिरेसी केस में, और 24 मार्च को उनको फांसी होनी थी, लेकिन कुछ पॉलिटिकल रीजंस थे जिसकी वजह से 11 घंटे पहले उनको फांसी दे दी गई थी, 23 मार्च 1931 को 7:30 बजे, 7:30 PM पर। और जो फांसी दी गई थी उसमें कौन थे? राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह। राजगुरु और सुखदेव ऑप्शन डी पार्ट। अगला क्वेश्चन है, द ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस इन नवंबर 1919 टुक प्लेस एट लखनऊ, देलही, बॉम्बे, लाहौर? करेक्ट ऑप्शन देलही है। इसके प्रेसिडेंट थे महात्मा गांधी, शौकत अली और मौलाना अली, दो अली ब्रदर्स ने इसको लीड किया था। और नवंबर 1919 के अलावा नवंबर 1921, 1919 और 1921 दो में ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस हुई थी। 1919 की ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस दिल्ली में हुई थी और 1921 की कराची में हुई थी। तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन बी पार्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर सेटअप ए स्कूल फॉर गर्ल्स एट बॉम्बे, सूरत, लाहौर, कलकत्ता? जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं ये एसएससी के डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा कि विद्यासागर ने स्कूल कहाँ ओपन किया था। तो विद्यासागर ने स्कूल ओपन किया था कलकत्ता में। कुछ जगह उस स्कूल का नाम पूछा जाता है कि जो स्कूल वुमेन के लिए स्टेब्लिश किया था, तो उसका नाम है बेथून स्कूल। कहाँ पे है? वो कलकत्ता में है।
बैथून स्कूल कलकत्ता में। आल्दो उन्होंने 35 स्कूल ओपन किए थे अराउंड 1851 से 1855 के बीच 4 साल में, जिसमें लगभग 1300 स्टूडेंट्स इनरोल हुए थे। ईश्वर चंद विद्यासागर इस बात के लिए जाने जाते हैं कि वो वुमेन की एजुकेशन के प्रति बहुत ही अवेयर थे और उसके लिए इंक्लाइंड थे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द डिस्टेंस कवर्ड बाई द फर्स्ट एवर ट्रेन बिटवीन बॉम्बे एंड थाने इन 1853। पहले तो ये पूछा जाता कि पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ के बीच चली, तो बॉम्बे से थाने के बीच। कब चली, तो 1853 में। अब अगला लेवल आ गया है जो पूछा ही गया क्वेश्चन है कि कितने किलोमीटर चली, तो 34 किलोमीटर चली। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा सी पार्ट। कभी कभी पर्टिकुलर डेट भी पूछ दी जाती है, तो वो 16 अप्रैल 1853 है जब फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन चली थी। अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, द सिपोई मुटनी इन इंडिया स्टार्टेड फ्रॉम, सिपोई मुटनी इन इंडिया स्टार्टेड फ्रॉम, इसको बोल, सिपोई मुटनी मतलब सशस्त्र विद्रोह, कब इंडिया में शुरू हुआ, कहाँ शुरू हुआ था, तो ये कब शुरू हुआ था अगर पूछा जाए तो 10 मई 1857। कहाँ शुरू हुआ था, तो मेरठ में। क्यों शुरू हुआ था, ये अफवाह फैलाई गई थी कि एनफील्ड राइफलों के कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता है, सिपाहियों को इन राइफलों को लोड करने से पहले कारतूस को मुंह से खोलना पड़ता था, हिंदू और मुस्लिम दोनों सिपाहियों ने इनका इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया था और सशस्त्र विद्रोह का ऐलान किया था, जो मेरठ से शुरू हुआ था 10 मई 1857। करेक्ट ऑप्शन बी पार्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय वाज द फाउंडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स। लाला लाजपत राय ने पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की थी, जो कि इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक है। विच वाज फर्स्ट फुली इंडियन बैंक, कब इस्टेब्लिश किया था, तो 19 मई 1894 में। 19 मई 1894 में लाला लाजपत राय के द्वारा किसको, पीएनबी को इस्टेब्लिश किया गया था, तो करेक्ट ऑप्शन बी पार्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, द इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 एक्ट वाज बेस्ड ऑन विच प्लान। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 किस प्लान पे बेस्ड है, नॉर्थब्रुक, डफरिन, रिपन या ग्लैडस्टोन, तो डफरिन प्लान पे है। वायसराय लॉर्ड डफरिन ने एक कमेटी बनाई थी, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि एक प्लान बनाया जाए, इनलार्जमेंट ऑफ प्रोविंशियल काउंसिल्स एंड इन्हांसमेंट ऑफ देयर स्टेटस, जो प्रांतीय समितियां थी उनका विस्तारीकरण किया जाए, उसके लिए एक प्लान बनाया गया जिसका नाम डफरिन प्लान था, और इसको इंप्लीमेंट करने के लिए एक्ट बनाया गया जिसको बोलते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बी पार्ट होगा। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी, तो 1 मई 1897 को की थी। 1 मई 1897 को कहाँ की थी, वेस्ट बंगाल में की थी। वेस्ट बंगाल में कहाँ की थी, बेल्लोर मठ में की थी। बेल्लोर मठ में 1897 स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण मिशन। ये 20 क्वेश्चन आपके सामने थे। होपफुली आपकी मॉडर्न हिस्ट्री की जो अपनी तैयारी है उसमें ये एक शार्पनेस लाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोशिश करेंगे जनरल साइंस को स्टार्ट करने की और अप्रैल के पार्ट 2 के करंट अफेयर्स के वीडियो को लाने की। टेक्निकल पार्ट इसके बाद शुरू होगा। लास्ट के अगर 15 डेज भी आपको टेक्निकल मिल जाता है, तो जो ये जनरल या करंट अफेयर्स या जनरल अवेयरनेस है और वो टेक्निकल पार्ट है, मिलाकर आप अगर रीजनिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो टायर 1 में सफलता मिलना ठीक ठाक स्तर पर संभावना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।